400 बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली। लड़की की शादी सही वक्त पे हो जाए ना तो माँ बाप को बड़ा सुकून मिलता है। मेरी बात मानो तो अपनी गुड्डी का नाम चावला मैच मेकर में रजिस्टर्ड करा दो। अंकल सूर्य त्रिपाठी, एक तो तेरा सुखे चाचू प्यार मोहब्बत को बहुत बड़ा गुनाह मानता है, ऊपर से ये इंटरकास्ट मैरिज का मामला, पुत्र तेरे चाचू को मनाना बहुत ही नामुमकिन काम है। सही फैसला लिया इसके बाप ने, जल्द से जल्द इसकी शादी करवा के इससे जान छुड़ाना ही बेहतर होगा। अब देखिए आगे। पाशु जी, ये मामला तो ज्यादा ही टेढ़ा होता जा रहा है। ना माँ बाप समझने को तैयार हैं, ना बेटी समझने को तैयार है। वीर जी, मेरा एक सजेशन है, एक बार हम में से कोई भी उस लड़के से क्यों ना मिल ले, हो सकता है वो लड़का अच्छा हो। ओ शानी, तू क्यों नहीं समझती है? ओ ये बात सुखदेव को बिल्कुल हजम नहीं होनी है कि उसकी बेटी किसी से प्यार करती है। वो तो ये समझता है कि उसकी बेटी गुड्डी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उसके लिए लड़का चुने। तेरी बात तो ठीक है जितेंद्र, लेकिन अब क्या करें? घर में इतने दिनों से कलेश पड़ा हुआ है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। भी गुड्डी को पढ़ने के लिए आगे कॉलेज भी तो जाना है। पर प्रोफेसर साहब, यही तो सुखदेव को डर है कि गुड्डी अगर कॉलेज जाएगी ना तो फिर से उस लड़के के साथ मेलजोल बढ़ाएगी। पर इस तरीके से हमने गुड्डी को घर पर भी कब तक बिठा के रखना है? शानी, पर सिचुएशन ये हुई पड़ी है कि आगे कुआं है पीछे खाई। प्रोफेसर साहब, मैं सोच रही थी कि आप और जतेंद्र जाके गुड्डी को समझा के देखो, हो सकता है कि आप लोगों की बातों का उस पर कुछ असर हो जाए। बात तो ठीक है पाशु जी। जतेंद्र भाई, इस वक्त गुड्डी से बात करना लाजमी और जरूरी है। लेकिन क्या बात करें वीर जी, क्या बात करें? ओ मैं जानता हूं, ऐसी उम्र में जब ये सब हो जाता है ना तो लड़के लड़की को कुछ नहीं सूझता, बस उनको ना सारी दुनिया अपनी दुश्मन नजर आती है। ये ठीक कह रहे हैं वीर जी, हम दोनों इस दौर से गुजर चुके हैं। ये बात अलग है कि हम दोनों में से किसी के पेरेंट्स सुखदेव और दलजीत जैसे तो नहीं थे, कम से कम इतना ड्रामा तो नहीं किया था। ये दोनों तो समझ ही नहीं रहे, अरे अपनी ही बेटी को अपने से दूर कर रहे हैं। मैं तेरी बात से सहमत हूँ शानी, लेकिन अब क्या करें? अब जब माँ बाप ही अड़ जाएं, तो हमें गुड्डी से बात करनी चाहिए ना, उसे प्यार से समझाना चाहिए, और गुड्डी अगर हमारी बात मान जाए और अपने माँ बाप से माफी मांग ले तो बात संभल सकती है, वरना इस तरह का अक्खड़पन तो रिश्तों में दरार ही डालेगा। हाँ जी, आप उसे समझाइए ना कि इस बात को अभी और ना उछाले, सुखदेव के सामने छोट मोटी बोल दे कि अब उस लड़के के साथ वो मेलजोल नहीं रखेगी, तब तो कुछ बात संभल सकती है। ठीक कह रही हो पाशु जी, इस वक्त कोई ऐसा झूठ जिसके बोलने से सबकी भलाई हो वो बोलने में क्या हर्ज है। हाँ वीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस तरह से हमारे घर की शांति भी बहाल हो जाएगी और हमें सोचने के लिए कुछ टाइम भी मिल जाएगा। हाँ, सुनसान रास्ता। ओए मेरे को तो उसी दिन अंदाजा लग गया था जब मैंने तुमको और गुड्डी को साथ साथ देखा था। ओए गुल्लू, मैं तो उसी दिन समझ गया था यार, ये नॉर्मल दोस्ती नहीं है, कुछ और है।
पर फिर मैंने सोचा भाई हो सकता है मेरा वहम हो। I'm sorry uncle, हम उस दिन आपको सच नहीं बता सकते थे। चल कोई बात नहीं पुत्र। सूर्या बेटा मैं लव मैरिजेस के अगेंस्ट में नहीं हूं और ना ही मैं प्यार करने को गुनाह मानता हूं, पर बेटा तुम्हारा केस, बेटा मैं जानता हूं सुखदेव गुड्डी को कभी भी परमिट नहीं करेगा कि वो लव मैरिज करे। बेटा तुम्हारा केस तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इंटरकास्ट मैरिज का मामला है गुल्लू, तू तो जानता है पुत्र। अंकल अंकल प्लीज कुछ करिए वरना गुड्डी घुटघुट कर। सूर्या मेरे को गुल्लू ने अश्योर किया है कि तुम गुड्डी को बेइंतहा मोहब्बत करते हो, करते हो ना? जी अंकल। साबित कर सकता है? अंकल आप एक बार कहकर तो देखिए, मैं आपकी हर उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कोई सवाल मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने का नहीं है यार, सवाल यह है कि सुखदेव को कैसे कन्विंस किया जाए, उसका कन्विंस होना ज्यादा जरूरी है यार। सेठी अंकल हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जहां तक मुझे लगता है सुखे चाचू ने जल्दी गुड्डी के लिए जल्दी लड़के देखना शुरू कर देना। अंकल देखने देना उसको लड़के, लड़के देखने से भी क्या हो जाएगा, और वो चाहे भी ना और तो भी गुड्डी के बालिग होने से पहले उसका ब्याह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता उसकी शादी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सुखे चाचू जो कर रहे हैं उन्हें करने दे? करने दे, जो करता है करने दे, हमें तो बस एक नई स्ट्रेटजी प्लान करनी है वो जिससे अपना सूर्या सुखदेव के ज्यादा नजदीक आ सके, और फिर सूर्या तो सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। जी अंकल। तो बस फिर कट टू दी शॉर्ट डिस्कशन, सूर्या मैं तुम्हारे फादर से मिलना चाहूंगा। ठीक है अंकल, मैं आज ही जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द यहां आ जाए। अंकल अंकल मुझे एक बार गुड्डी से मिलना है प्लीज। यार सूर्या मैं वादा तो नहीं करता हूँ यार, लेकिन मैं सोचता हूँ ये कैसे मुमकिन है। तू ठंड रख। नन्ही सी कली मेरी लाडली। नन्ही सी कली मेरी लाडली। गुड्डी पुत्र तुझे पता है ना कि सुखा पुराने विचारों का है, उसे इस तरह से लड़कों लड़कियों का आपस में मिलना पसंद नहीं है, नफरत करता है वो इन बातों से, और तुझे इस बात का भी पता था कि उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट करना है, इसलिए पुत्र तुझे इन बातों से थोड़ा दूर रहना चाहिए था। हाँ गुड्डी पुत्र, सुखदेव तेरे से बहुत 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 प्यार करता है, उसने तेरे लिए तेरे भविष्य के लिए बड़े सपने सजा रखे हैं। सच कहूं तो तेरे पियो की दुनिया तेरे से शुरू होके तेरे पे ही खत्म हो जाती है। पुत्र इन चीजों के लिए बहुत टाइम है, बहुत, अभी बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तू। हाँ पुत्र, हम ये नहीं कहते तू गलत है, लेकिन सूखे की सोच के हिसाब से सोचे तो गलत तो वो भी नहीं है ना, चाहता तो वो तेरा ही भला है ना। हाँ गुड्डी पुत्र तू समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? देख गुड्डी बात को थोड़ा ठंडा हो जाने दे, जब वक्त आएगा ना तब इन बातों के बारे में हम सोच लेंगे।
फिलहाल तो तू बस अपने पापा के सामने झूठ मूठ ही सही, एक बार ये कह दे कि तूने उस लड़के के साथ कोई वास्ता नहीं रखना। गुड्डी पुत्र, पाशु जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरे इस बयान से सुखे को बड़ा सुकून मिलना है। उसके अंदर की ये जो कुड़कुड़ है ना, ये खत्म हो जानी है। तू मुझे बता, तू ये बात कहेगी सुखे से? पुत्र, तेरे इस छोटे से झूठ ने ना इस घर की शांति के लिए संजीवनी बूटी का काम करना है। संजीवनी बूटी का? हाँ। बस पुत्र, तू तो अपने माँ बाप की शांति पे ध्यान दे और इस घर की शांति पे ध्यान दे। गुड्डी पुत्र, तू बस एक बार सुखदेव और दलजीत से ना ऐसे ही कह दे कि तुझे उस लड़के से कोई सरोकार नहीं रखना है, फिर तू देखना तेरे पापा ने ना तेरे को माफ कर देना है। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, कितना खुश नसीब हूं मैं ये देखकर कि मेरे अपने ही मेरी बेटी को ये सलाह दे रहे हैं कि वो मुझसे झूठ बोले। मुझे ना सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिला देख के ये सब। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि अब इस लड़की को अपने इस बेरहम बाप के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो सारा इंतजाम कर दिया है कि अब ये चाहकर भी उस अमीरजादे से कोई सरोकार रख ही नहीं सकती है। जाए जी, वीर जी, आप सब लोगों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, परसों शाम को ना चाय पे कुछ मेहमान आ रहे हैं इस घर में। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग उनके मेहमान नवाजी में कोई कसर ना छोड़ें। और अपनी इस बेटी को भी समझा दें कि उनके सामने कोई बेहूदगी ना करें। ये ले, ये पकड़ की एक मुस्कान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे। ये लड़का ढूंढा है मैंने तेरे लिए। और देखा ही नहीं जी, मैंने पसंद भी कर लिया है। नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली। नन्ही सी कली मेरी लाडली। ये पकड़, पकड़ पकड़। ये लड़का ढूंढा है मैंने तेरे लिए। और देखा ही नहीं जी, मैंने पसंद भी कर लिया है।
यही लोग परसों तेरे को देखने आ रहे हैं यहाँ पे, तुझे देखने। हाथ जोड़ता बेटा तेरे आगे, भगवान के लिए उनके सामने इस लाचार बाप को बेइज्जत मत करना। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ बेटा तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पापा, आप इस तरह क्यों हाथ जोड़ रहे हो मेरे आगे? क्योंकि तू बड़ी हो गई है बेटा, तू बड़ी हो गई है और तू इतनी बड़ी हो गई है कि तुझे तेरे सामने तेरा बाप भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है बेटा। बेटा मैंने सुना था मैंने कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो अपने माँ बाप के समझ बूझ पे ना शक होने लगता उन्हें। लेकिन मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर भरोसा था। बोलो लेकिन आज समझ में आया है जी कि भरोसा और कांच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। उन्हें टूटने के लिए बस एक छोटी सी ठोकर की जरूरत होती है। सुखे, मुझे नहीं लग रहा कि तेरा ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। वीर जी, आपको ये नहीं लगता कि ड्रामा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सब कर रहे हैं? जाए इसके कि गुड्डी को आप अच्छा समझाएं, उसे आप मुझसे झूठ बोलने की नसीहत दे रहे हैं? यार तेरे जैसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। तू खुद तो किसी से बात करता नहीं, हम दो बार तेरे से बात करने गए, सबकी बेइज्जती कर दी तूने। हाँ, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा ना, तब हमने गुड्डी को ऐसा करने के लिए कहा ताकि घर की शांति बनी रहे। अच्छा जी, आपको घर की शांति की चिंता है लेकिन अपनी बेटी गलत रास्ते पे चल रही है इसकी फिक्र किसी को नहीं। हो सुखदेव, तू मानता क्यों नहीं है? गुड्डी से बात की जा सकती है, हाँ, लेकिन ऐसे माहौल में नहीं जैसा माहौल पूरे घर में तुमने क्रिएट कर रखा है। आप लोग ना शायद इस कड़वे सच को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि ये गुड्डी मेरी बेटी है, मेरी। इसका बाप हूं और एक बाप को पूरा हक है कि अपने बच्चे की अच्छाई और बुराई का ख्याल रखे। तो जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लड़के वालों के सामने कोई ऐसी हरकत ना करें कि इस मजबूर बाप को कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, क्योंकि मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए इस घर से अलग होने के बाद पर भी गौर कर सकता हूं। वो सुखे, नन्ही सी कली मेरी लाडली। ये लड़का दिखा तेरे लिए, परसों तेरे को देखने आ रहे हैं यहाँ पे, शादी कर लेंगे इसकी।
दिखा कर दिखा, परसों तेरे को देखने आ रहे हैं यहाँ पे, शादी कर लेंगे इसकी। माउथ ऑर्गन, तुम बहुत अच्छा बजाते हो। मैं इस मॉल में घुट रही हूँ। गुल्लू प्लीज, तू मेरी एक बार सूर्या से बात करा दे, सिर्फ एक बार। गुल्लू प्लीज 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 गुल्लू प्लीज प्लीज। कुछ हो गया तो ऐसी की तैसी दुनिया वालों की, अब जो होगा ना वो देखा जाएगा। तू बात कर, तू बाहर जा और देख, अगर कोई देख रहा हो ना मुझे इशारा करना, जा तू। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली।